ओम शांति, ओम शांति। तो तीनों चाहिए, तन मन धन कोई नहीं ले सकता। और आपने एक करने से एक मिल जाएगा, नहीं, तीनों अलग अलग चीज है। तब प्रश्न आया, कोई गरीब क्यों, कोई श्रीमंत क्यों, किसने बनाया जन्म गरीब, किसने श्रीमंत बनाया? एक करोड़पति वाले खाने के लिए कुछ नहीं। जब भगवान आया था, भगवान को तन मन धन आपका चाहिए, और गरीब और बाहर वाले भी देते हैं, नहीं, अज्ञानियों का नहीं चाहिए, अपने बच्चों का पवित्र धन तन मन चाहिए। तो जितना अभी संगम पर बाबा को तन मन धन से मदद करते हो, तो बाबा ने गारंटी दिया इक्कीस जन्म, उसके बाद सारे कलप में भी है। तो आपके हाथ में आपका तकदीर है, आप कुछ लोग 24 घंटा मेरा समय स्वास्थ्य संकल्प धन तन मन किसकी सेवा में लग रहा है। फिर अपने आप से प्रश्न करना कि मेरा मन इतना अशांत क्यों रहता है, मुझे ये बीमारी क्यों, मेरे पास धन ही नहीं, इतना मैं गरीब क्यों। ए, अपने आप से पूछो, बाबा ने दर्पण दिखाया, ज्ञान दिया, तन आपके पास है, ऐसे नहीं कि दो हाथ नहीं है, दो पांव नहीं है, जिसके पास है उनकी बात है। अगर आप ये भी पूछते हो, वो भी बताता आपको, आज एक व्यक्ति जीवित है, आप पूछ सकते हो, दोनों हाथ काम नहीं करते, पैरालिसिस पूरा, दोनों पांव भी नहीं, माँ उसको गाड़ी से ले आती है, मधुबन में भी कुछ नहीं करता, अंगुली में सब ऐसे। उसको किसी ने सिखाया कि आप मोबाइल लेके एक अंगुली से ऐसे हाथ करके मुरली के पॉइंट भेजता है, बहन जी उसको मुरली रात को पहले दिन देता देती है, सारी रात बैठ के 400,000 लोगों को मुरली का पॉइंट वरदान स्लोगन 400,000 लोगों को भेजता, घर में बैठे कुछ नहीं कर सकता। कितने साल, अब भी थोड़े समय पहले 5-6 साल हो गए, किसी ने कहा बैठे बैठे आप कुछ कर सकते हो, तो हाथ कैसे थे? उसको दिखा अंगुली ऐसे ऐसे करके, सेंटर की बहन उसको पहले दिन रात को मुरली देती, सारी रात बैठता सोता नहीं, दिन में सोएगा, रात को बैठ के 400,000 लोगों को मुरली के पॉइंट वरदान स्लोगन भेजता। तो अंगुली नहीं, हाथ नहीं है, तो कमाई कर रहे हैं, सारी रात बैठ करके तपस्या बाबा की सेवा कर रहे, और किसी के लिए नहीं कर रहा, और किसी के लिए तन ठीक नहीं है तो भी कर सकता है, ऐसा जीवित है, कहानी नहीं। आप देख सकते हो, बात करते हर साल दो दफा मधुबन में आता है, माँ लेके आती है, दोनों हाथ काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करता, पांव चल भी नहीं सकता, फिर भी 400,000 लोगों की सेवा करता है, और किसकी, ज्ञान की सेवा करता है, शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार सेवा कर रहा है। बताओ हो सकता है? दोनों हाथ में, हमको तो दोनों हाथ दोनों पांव सब दिया है,